हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम सुबह जल्दी से उठ गए हैं 6 बजे, तो अभी मॉर्निंग वॉक में आए हुए हैं। मॉर्निंग वॉक में क्या, हम लोग छत में, मैं अभी एक्सरसाइज करूँगी, तो आप लोग भी मेरे साथ जल्दी से उठ जाइएगा। और मैं इसलिए एक्सरसाइज करने आई हूँ कि मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा। तो मैं अब रोज़ डेली एक्सरसाइज करूँगी और सुबह उठूँगी, तो मैं आप लोगों को भी डिस्टर्ब किया करूंगी। तो अच्छा नहीं लगता है सुबह उठना, लेकिन फिर भी उठ जाओ ना तो बहुत मज़ा आता है। तो ये देखो कितना शांत वातावरण है, इतना मज़ा आ रहा है ना। तो मैं अभी एक्सरसाइज कर ली हूँ। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद मेरा काम सुबह का चालू हो गया है। तो मैं ऊपर छत से फिर नीचे आ गई हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने कपड़े बदल लिए हैं, क्योंकि वो मैं सुबह टी शर्ट इसलिए पहनी थी क्योंकि मुझे आसानी हो थोड़ा सा वो करने के लिए, क्योंकि इसमें सूट पहन के मैं ऐसे नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने क्या हुआ कि मैंने कपड़े चेंज कर लिए और फिर मैं अपने काम में लग चुकी हूँ सुबह सुबह। तो मैं सोची कि पहले बर्तन धुल लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी बाबू और ये लोग भी थोड़ा सा बाहर टाइप से घूमने गए हैं, ऐसे सोच रहे थे कि बाहर ये लोग भी टहल लें। तो मैंने बोला कि मैं जल्दी से बर्तन धुल लेती हूँ, नहीं तो बाबू आएगी तो बाबू भी लगेगी धुलवाने, तो सुबह सुबह उसका कपड़ा भी भीग जाएगा। और एक तो बारिश का बहुत ज़्यादा टाइम है ना, तो कपड़े जल्दी सूख भी नहीं रहे हैं। तो छत में तो हम फैला भी नहीं सकते, क्योंकि छत में फैलाओ फिर उठा के ले आओ तो यही काम रहता है, और नीचे जल्दी सूख नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे पैंट ऐसे 4-5 ठो ऊपर डाले थे जो कि 2 दिन से सूखे ही नहीं। तो मैंने बोला कि मतलब कि ये आ जाती है तो फिर वही कपड़े गीले कर लेगी, तो इसीलिए डर रहता है। तो मैं जल्दी से बर्तन धुल ली हूँ और फिर मैं अब सोच रही थी कि ये मैं बाहर थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे कीचड़ कीचड़ हो जाता है। क्योंकि बारिश में ना क्या होता है कि अगर हम बाहर से आते हैं और चप्पल भी पहन के आते हैं तो ये बाहर से मिट्टी लगे हुए आ जाता है, तो थोड़ा सा कीचड़ जैसे हो जाता है। लेकिन मैं फिर झाड़ू लगा दे रही हूँ तो ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। तो फिर अब मैंने बर्तन वर्तन धुल लिया है और मैं झाड़ू भी बाहर लगा ली हूँ उधर का। मैं अब फिर बर्तन जमाऊँगी और बर्तन जमाने के बाद फिर देखती हूँ जल्दी जल्दी क्या करना है। अभी अंदर भी झाड़ू लगाना है हमें। तो मैं सुबह सुबह आज बहुत जल्दी उठ गई थी सुबह, तो मैं 6 बजे समथिंग उठ गई थी, क्योंकि मुझे आज था कि मुझे अब एक्सरसाइज करना है और मैं बहुत ज़्यादा मोटी भी हो रही हूँ ऐसे लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे घर में मतलब कमेंट टाइप से हो रहा है कि मैं मोटी होती जा रही हूँ। और एक तरफ से अच्छा भी है, सुबह जल्दी से उठ जाओ ना तो क्या है, अगर नहीं उठो तो थोड़ा सा लगता है यार कि सुबह नहीं उठो, लेकिन अगर उठ जाओ तो फिर ये होता है ना कि बहुत अच्छा सब कुछ, मतलब पूरा दिन अच्छा जाता है सुबह उठने के बाद। एक्सरसाइज कर लो, दिमाग भी फ्रेश हो जाता है एकदम, अब पूरा काम भी सुबह सुबह हो जाता है। तो मैंने ये सब कर लिया है और मैं सोच रही थी कि अब जल्दी से बिस्तर जमा लेती हूँ सारे। तो बिस्तर जमा के
फिर आगे का देखती हूँ, आगे काम करती हूँ। तो आप लोगों को प्लीज़ हमारी वीडियो कैसी लगती है तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो। और कमेंट इसलिए करिएगा क्योंकि हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार कर सकते हैं कि मुझे अब कैसा अच्छा है या बुरा है, क्या कमी है, तो मैं इस पर ध्यान दे सकती हूँ। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा क्योंकि हमारे मैं मतलब कि न्यू वीडियो डालती रहती हूँ, घर का यही स्टडी भी करती रहती हूँ, तो मैं स्टडी का भी डालती रहूँगी, और कोई भी रूटीन है मतलब कि ये सब काम, तो मैं इसका भी डालती रहूँगी। तो नए नए आपको वीडियो देखने को मिलेंगे और अच्छे वीडियो मिलेंगे, आशा करती हूँ कि आज वो आपको पसंद भी आएगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो नए वीडियो को देख सकें। तो अभी मैं झाड़ू लगा ही रही थी क्योंकि कि लाइट भी गोल हो गई, क्योंकि लग रहा है ऐसे कि मौसम बाहर बरसात जैसे पानी बूंदा बूंदी होने लगा था, तो इसीलिए लाइट गोल हो गई। तो ये अंधेरा भी हो गया है बहुत ज़्यादा, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा कि क्या है क्या नहीं। तो बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और फिर बारिश आने लगी थी, क्योंकि आजकल ना सुबह शाम दोपहर को कुछ समझ भी नहीं आता, 5-10 मिनट के लिए खुलता है बादल, देखो ये बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ छत पे आके, तो ये बारिश स्टार्ट हो गई है हम लोगों के यहाँ, तो इसीलिए लाइट भी गोल हो गई है, तो ये नीचे एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। तो ये देखो मेरे बाहर का यहाँ गेट है, ये क्या है ना कि हमारे यहाँ बाहर ना मोरम डला हुआ था नीचे, लेकिन ये मोरम पता नहीं क्यों पानी से बह बह के चला गया ना, तो ये नीचे गड्ढा जैसे हो गया। तो देखो ये पूरा गड्ढा जैसे हो गया है, तो लाइट नहीं है, तो मैं आज अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी, दूसरे ब्लॉग के साथ फिर से उपस्थित होंगी, तब के लिए बाय बाय, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ओके बाय बाय।